चलो सब लोग अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है। सॉल्यूशन ध्यान से समझोगे आगे क्वेश्चन। सोलह कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? हजार पचास 50,000। कौन बोला था 16,000? सॉरी हम एवरेज प्रॉफिट बोल दिए थे सर, सॉरी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ तो जरा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो एक एक चीज लिख लिख के बता रहे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 50,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है साहिल सिंह आयमन सब बताइए। 15/100 तो 15% 50,000 का कितना हो जाएगा? 7,500 क्या आया है? कौन बताएगा जल्दी बताओ 7,500 ये क्या आया है? ये नॉर्मल प्रॉफिट आया है। ये क्या आया है? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा इनका एक्चुअल प्रॉफिट जो कि एवरेज दिया हुआ है यानी इनका ही प्रॉफिट है जो इन्होंने एक्चुअली में कमाया है बट वो एवरेज में दिया हुआ है लगभग 16,000 यानी 4-5 साल का या वो क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इतना दिया हुआ कि ये एवरेज है। तो हो सकता है 3 साल का एवरेज हो या 4 साल का एवरेज हो, उससे हम बोलेंगे इनका ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है यानी ये इतना कमाते हैं। एक्चुअल एवरेज कितना है प्रॉफिट का? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 16,000। तो ये देखो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हम क्या बताएं? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो लिखना है लिखो। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो सबको समझ में आ रहा? हितेश ना? यस सर। डाउट क्लियर हुआ? यस सर। अभी और क्लियर होगा, और क्वेश्चन अभी बनाएंगे, कुछ हम बनाएंगे, कुछ तुम लोग को होमवर्क देंगे क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग खुद से नहीं बनाओगे तो सीखोगे कैसे। जो डाउट होगा क्वेश्चन होमवर्क देंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछोगे, लेकिन बनाना तो खुद से पड़ेगा ही। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबको समझ में आ गया? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 7,500। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 8,500। 8,500। अब गुडविल, गुडविल निकालना। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, देखो एग्जाम में सब ऐसे मेंटेन करोगे। हाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर नॉर्मल 4 इयर्स परचेज। मूड अच्छा है इसलिए एक एक चीज लिख के बता रहे हैं। 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकाले हो ना? यस सर। बताओ क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ 500 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। किसको किसको डाउट है बताओ? आयमन है लाइन पे? क्लियर हुआ? हेलो आयमन, कितना हो जाएगा? 34,000 बोलो किसको किसको नहीं समझ में आया?
किसको किसको नहीं समझ में आया? सर क्वेश्चन में अगर ईयर नहीं दिया होगा परचेज ईयर तो हाँ तो कैसे बनेगा? ईयर दिया हुआ रहेगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन है तो दिखाइए। सर न्यू एडिशन में तो पहला क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन हमको भेजो, हम देखते हैं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा। न्यू एडिशन का क्वेश्चन है तो भेजो, प्रॉब्लम भेजो। जब कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड से निकालेंगे ना तब नंबर ऑफ इयर्स परचेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अभी क्वेश्चन में जब हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक तो हम बता देंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड एक मेथड है गुडविल का, वो लास्ट मेथड है, उसके बाद तुम्हारा गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड उसमें आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो वो उस टॉपिक का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बोल दिया या एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल दिया या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल देगा तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है? कोई डाउट? हेलो बोलो बच्चों। नो हमको उसके पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट में डाउट है। अच्छा वेटेड एवरेज बता देंगे, अभी सुपर प्रॉफिट देखो ना। हाँ, देखो सर, नहीं, सुनो डाउट्स अभी रहेगा। ये जो भी टॉपिक्स अभी चल रहा है ना ये सारे टॉपिक्स आपको बार 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 आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा, उस समय भी फिर बताएंगे, ठीक है? ये अभी इसलिए बता रहे क्योंकि आगे हमको ये सब चैप्टर्स पढ़ाते समय इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट ना करना चाहिए, इसलिए पहले ही सारा आइटम्स सॉल्व करवा के पढ़ा के समझा के तब हम लोग चैप्टर में जाएंगे। अभी जो भी चल रहा है ये सब इंग्रेडिएंट्स चल रहा है। जैसे खिचड़ी बनाना किसको किसको आता है? खिचड़ी बनाना किसको किसको आता है? खिचड़ी बनाने के लिए क्या करती हूँ? सब सामग्री इकट्ठा करती हूँ पहले। सामग्री क्या क्या सामग्री लेता है? चावल दाल अब खाने वाले के ऊपर है कि कौन दाल लेगा कौन पापड़ लेगा। तो आगे जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर में डिपेंड करेगा कि किसमें पापड़ दाल चावल लगेगा और किसमें हल्दी नमक सब लगेगा। तो ये सब नहीं जानोगे तो कैसे बनाओगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम, एडमिशन का सम, रिटायरमेंट का सम, टैक्स का सम। समझ में आया बात? हाँ तो ये समझ में आया बात? समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? सच में बोलो, सच सच आगे बढ़ेंगे। रितेश झा, रीत विश्वकर्मा, समझ में आया? रितेश ना, आरती आरती समझ में आ गया? यहाँ पे चिल्लाओ, चलो मना क्या यहाँ पे? चलो इसको कॉपी कर लो या आगे पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। स्क्रीनशॉट ले लिया, आप आगे बढ़िए। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, सर ले लिए। ले लिए सर। सर के साथ बनाते चलते हैं। हाँ जो रनिंग नोट साथ साथ बनाते चलते हैं वो सही करते हैं, बेस्ट वे यही पढ़ने का। क्लास में ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो आप समझते भी जाइए और कॉपी दिमाग रहना चाहिए मेरी बातों पे और हाथ कॉपी चलते रहना चाहिए, हाथ चलते रहना चाहिए कॉपी पे, यानी फुल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हम एक्सप्लेन कर देंगे ये क्वेश्चन, हम तुम लोगों को होमवर्क देंगे शायद अगर कुछ डिफिकल्टी ना होगा तो। राकेश एंड अशोक अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, यानी ये अर्नड किया है इन लोगों ने प्रॉफिट कितना?
5,000 सुनो लास्ट बार बोलेगा अभी थप्पड़ याद देंगे दोनों को यहाँ पे हल्ला किया तब अर्नड प्रॉफिट कितना है 5,000 अच्छा देखो तो फिर उसके बाद एक लाइन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है Employed a capital of 25,000 क्या दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है साहिब सबके पास क्वेश्चन पहुंच गया था कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 25,000 अच्छा उसके बाद आगे पढ़ो इट इज एक्सपेक्टेड दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है Yes, sir, 15%. तो बोलो क्वेश्चन लॉलीपॉप है कि बाउंसर है नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है Yes, sir, 3 years. बताओ आयमन क्वेश्चन बन जाएगा लॉलीपॉप है कि बाउंसर है Yes, sir, बन जाएगा. अच्छा हितेश ना तुम बताओ तो हम होमवर्क दे देंगे हितेश ना Yes, sir. बन जाएगा आकांक्षा नहीं है क्या Yes, sir. आकांक्षा नहीं है हैं? सो गई क्या आकांक्षा आवाज फंस रहा है तुम्हारा हाँ इधर नेटवर्क प्रॉब्लम अभी बहुत है ये होमवर्क है बन जाएगा ना यस सर बन जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्क्रीन पे चिक चाक मत करिए जो भी किया उसको डिलीट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फर्म इज 36,000 पर ईयर क्या लिखा हुआ है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर कितना हजार 36,000 पर ईयर यानी 36,000 का इन लोगों का अर्निंग होगा पर ईयर ये एक्सपेक्टेड है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 2 लाख आगे क्या लिखा हुआ है The normal rate of return from the capital investment in this class of business, यानी इस प्रकार के business जिस प्रकार के ये लोग कर रहे हैं तो इस प्रकार के business में अगर कोई 2 लाख रुपया लगाएगा यानी कोई जितना भी लगाए X लगाए या 1 लाख लगाए या Y लगाए या 4 लाख लगाए जितना लगाए उस पे उनको normal rate of return से कितना कमाई होना चाहिए 10% तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिला हुआ है दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम और रेमुनरेशन आपको देना है पार्टनर्स को अभी रेमुनरेशन क्या है भैया तो बताते हैं रेमुनरेशन देना है आपको 6,000 पर एनम ठीक है इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आ गया प्रॉफिट में 6,000 पर एनम Find out the value of goodwill on the basis of कितना years purchase? 2 years. Two years purchase. Question सबको clear है देखो ये average normal expected profit मतलब ये इनका actual earning है कि इतना ये कमा लेंगे 36,000 रुपया per year. तो ये हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है ये इतना तो कमा ही लेंगे ये लोग 36,000 नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए नॉर्मली कितना कमाएगा कोई लोग तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए इस बिजनेस से 20,000 आएगा 2 लाख नहीं समझ में 20,000 नहीं समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है हमको हाँ तो नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास रेगुलर रहिएगा तब ना समझ में आएगा आप शुरू से कितने बजे क्लास का टाइमिंग है वेट करो समझ में आएगा धीरे धीरे
ये देखो ये एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है कि 36,000 इनका अर्निंग है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कि 2,00,000 ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2,00,000 ये बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो कोई भी 2,00,000 इन्वेस्ट करेगा तो नॉर्मल 10% तो कमा ही लेगा। तो हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, दैट इज कितना आएगा 20,000। तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो लगभग 36,000 है, और हर साल इनको रेम्यूनरेशन देना है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा इन लोगों का, 36,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के बाद 6,000 रुपया इनको देना है रेम्यूनरेशन, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट 30,000 होगा ना, समझे? बिजनेस में 36,000 प्रॉफिट हो रहा है इनका अनुमान है, और उस 36,000 में से 6,000 इन लोगों को रेम्यूनरेशन में बांट देना है, तो बचेगा कितना प्रॉफिट, एक्चुअली होगा कितना, 36 कि 30? 30। कैसे पता चला 30? तू क्वेश्चन में दिया है कि 6,000 रेमोनरेशन देना है पार्टनरों को, तो रेमोनरेशन कहाँ से मिलेगा पार्टनरों को, यही 36,000 में है ना, तो बचेगा कितना प्रॉफिट कितना होगा, 30,000। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? हम अब नाम नहीं लेंगे एक एक बंदे का, तो 30,000 रुपया। ठीक है, अब देखो ये रहा तुम्हारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट जो कि एडजस्टेड है, 6,000 का एडजस्टमेंट था वो एडजस्टमेंट कर दिया, यानी ये एडजस्टेड है। ये रहा तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा बताओ। 10,000। सबको समझ में आया? नॉर्मल एवरेज एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किए, 10,000 रुपया सुपर प्रॉफिट आया। अब कितना इयर्स ऑफ परचेज बोला है? 2 साल का 20,000 आ जाएगा, तो गुडविल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20,000। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बोलो रितेश, समझ में आया? जी सर, समझ में आया। है ना, क्लास रेगुलर रहिए, फीस जमा कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए, समझ में आएगा 100%। सोलह नंबर 15, 14, 15, 13, 14, 15 सबके कॉपी में बनना चाहिए आज ही। 16 नंबर समझा कर होमवर्क दे देता है ना, क्या कहते हो तुम लोग? 13, 14, 15 रहने दे, कल के लिए छोड़ दे। नहीं सर, बता दीजिएगा 16 भी, उसके बाद कल एडजस्टमेंट वाला स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ देखो 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड बैल। हेलो, लेना तो है लेकिन हम अभी हैं नहीं, हम आ रहे हैं और आपको फोन करेंगे। भैया थोड़ा सा आ रहे हैं तो हम रहते नहीं ना है रूम में तो। हाँ हाँ, आप रखे नहीं ना, मैया महादेव आके ले लेंगे। हाँ बदरे घाट में रहते हैं आप, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी घर वहीं पे है, हम रात तक ले लेंगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम फोन करके ले लेंगे। इसी नंबर पे फोन करेंगे, कौन से नंबर पे करेंगे? ठीक है ठीक है, क्या नाम हुआ? ठीक, सोलह नंबर देखो भाई, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स।
देखो यहाँ पे आपको लास्ट थ्री ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1, 2, 3, तो आपको कौन से ईयर का प्रॉफिट लेना है बताओ? 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कौन से ईयर का प्रॉफिट लोगे? एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, तो आपको कौन से ईयर का प्रॉफिट लेना है? आपको एवरेज एक्चुअल ले लेना है। कौन सा प्रॉफिट ले लेना है? एवरेज एक्चुअल। यानी 2015 का कितना है? 17,000। 2016 का कितना है? 20,000। 20,000। और 2017 का कितना है? 23,000। इनको तीनों को जोड़कर एवरेज ले लेना, डिवाइडेड बाय 3, वो आएगा आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। उसी प्रॉफिट को कंसीडर करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे दिया हुआ था एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ। बस अब अपने पेन का एक थिकनेस बढ़ा दीजिए ना, साफ नजर आएगा बोर्ड पे। क्या चीज बढ़ा दे? एक थिकनेस। अभी ठीक है? सुनो, ज़ूम कर सकते हैं क्या? ज़ूम नहीं, पेन का थिकनेस। अब थोड़ा अच्छे कलर से लिखिए ना, ब्लैक ब्लैक से। अब कुछ चलो, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड? 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड, 15% इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को देखो, थोड़ा घुमा कर लिख रहा है, कह रहा है कि जितना भी रिस्क हो उससे कोई मतलब नहीं है। Having considered risk, 15% तो कोई भी कमा लेगा, यानी वो क्या दिया हुआ है? Normal rate of return दिया हुआ है। कितना percent है? 15%. Calculate goodwill on the basis of 2 years purchase. 2 years purchase के basis पे goodwill निकालने बोल रहा है। 2 years goodwill, 2 years purchase of super profit of सुपर प्रॉफिट। बोलो, बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर, बन जाएगा। तो 13, 14, 15, 16 सब लोगों का बनाकर व्हाट्सएप में आ जाना चाहिए, और जिसका नहीं आएगा कल हम नहीं एंट्री देंगे। क्वेश्चन बनाकर हमको चाहिए सर, हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना सर। अरे तुमको ग्रुप में ऐड किए ना? सही किए थे, पर सर मेरा फोन खराब हो गया बार बार। मेरे नंबर पे 97981 वाले नंबर पे हेलो बोलो, हम ऐड कर लेते हैं। हेलो बोलो सर, क्लास के बाद। हाँ, क्लास के बाद। और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? ओके सर, बुक सर, बुक के लिए बोल रहे हैं। हेलो, सब लोग जरा कैमरा ऑन करो। तो सब लोग कैमरा ऑन करो। कंपनीज बुक्स, कंपनीज अकाउंटिंग की बुक किसके किसके पास है? तो मेरे पास एनसीईआरटी का चलेगा सर। एनसीईआरटी नहीं, टीएस ग्रेवाल सर, मंगवा लेंगे। अब मंगवा लेंगे, अब आज मंगवा लेंगे या तो कल। हाँ, अब मंगवाना पड़ेगा। कैसे मंगवा लेंगे? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, तो मंगवा लीजिए। अच्छा, तो अच्छा रहने दो तुम लोग का, तो हम देखते हैं। किसी के पास कोई 10 दिन के लिए अगर बुक दे देता तो अच्छा रहता कंपनीज का। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम दूसरे से कर देते हैं व्यवस्था। आरती हम कर देते हैं व्यवस्था, एक दिन और रुक जाओ।
ठीक है, डीके गोयल बुक है उसके पास। चलो ठीक है, क्या डीके गोयल क्या बोल रही हो? हम लोग भी डीके गोयल ले लें। नहीं, डीके गोयल भूल के भी ले लेना, ऊपर आ जाओ। डीके गोयल नहीं लेना। क्यों सर, डीके गोयल क्यों नहीं? हमारे यहाँ टी एस ग्रेवाल से मैं पढ़ाऊंगा। आपको डीके गोयल लेना, आप शौक से लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिएगा, सर मेरे बुक में क्वेश्चन नहीं है, सर ये नहीं है। डीके गोयल में क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाइज नहीं होता है। आरती पढ़ रही है तो वो समझ रही होगी कि क्या दिक्कत है डीके गोयल में, और टी एस ग्रेवाल कितना साइंटिफिक और कितना अच्छा बुक है, वो आरती समझ रही है अच्छी तरीके से। मेरे पास आर्यन का बुक है सर। ठीक है, चलो अभी रख रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हुआ, गर्म हो गया दिमाग। ठीक है, ऐसा ना चलेगा, सुतने से पूछा था सर।